आइए बच्चों, आज हम व्याकरण के बेसिक टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि, इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी मानव हैं और मानव एक समाज में रहता है, मानव एक समाज का हिस्सा है। तो समाज के अंदर मनुष्य को अपने भावों, संकेतों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उस माध्यम को नाम दिया गया है भाषा। व्यक्ति अपने भाव और संकेतों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है, उस माध्यम को भाषा कहा गया। वह माध्यम प्राचीन काल से अगर अपन बात करें, तो जब हम आदिकाल में थे, तो सबसे पहले जो भाषा का स्वरूप आया वो सांकेतिक था। धीरे धीरे हमने ध्वनि वाली भाषा का प्रयोग करना शुरू किया और इस प्रकार से हम सभी के बीच में भाषा के विभिन्न रूप आए। अगर भाषा की बात करें तो संसार में बहुत प्रकार की भाषाएं प्रचलित है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, रोमन, रशियन, उड़िया, फ्रेंच, इतावली इत्यादि। तो इस भाषा के अंतर्गत जो है कई सारी भाषाएं आज हम सभी देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, सामान्यतः भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में व्यक्ति को, मनुष्य को अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है और उन भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, अर्थात मनुष्य द्वारा अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उस माध्यम को उसे भाषा कहते हैं। उस माध्यम का नाम भाषा है। अगर बात करें भाषा कितने प्रकार की है, तो ध्वनि के आधार पर और जो भाषा के जो स्वरूप हैं उनके आधार पर भाषा दो प्रकार की है। कितने प्रकार की भाषा? दो प्रकार की है। कौन कौन सी? तो भाषा का पहला स्वरूप हमारे सामने आया है, पहला जो स्वरूप है वो है मौखिक भाषा। और इसका दूसरा जो स्वरूप हमारे सामने आया है वो स्वरूप है लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। एक बार फिर से देखिए, भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब प्रश्न आता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, फिर दूसरा प्रश्न आता है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं आगे अपन मौखिक भाषा की। आइए आगे चलते हैं।
मौखिक भाषा मौखिक भाषा किसे कहेंगे? तो जिस भाषा को बोलकर ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य, जो भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है जिस भाषा को बोलकर या ध्वनि में व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के भी कई रूप निकल करके हमारे सामने आते हैं। जैसे अपन बात करें कि मौखिक भाषा को हम बोली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जैसे हमारी भाषा है हिंदी, हिंदी तो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा हो गई, लेकिन उस हिंदी के अंतर्गत भी जो हिंदी भाषा अपन बोलते हैं, इस हिंदी भाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां आती है। तो भाषा का जो स्थानीय स्वरूप है उसे बोली कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आता है कि मौखिक भाषा में भाषा और बोली क्या है। तो अपन बात करेंगे अब मौखिक भाषा व बोली की। मौखिक भाषा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने परिभाषा पढ़ी है कि जिस भाषा को बोलकर या ध्वनि के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब बात आती है बोली की। तो बोली किसे कहते हैं? अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ तो इसकी परिभाषा यह होगी कि मौखिक भाषा का स्थानीय स्वरूप, मौखिक भाषा का स्थानीय स्वरूप जो है वो बोली कहलाता है। अर्थात एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले मौखिक भाषा, यूं कह लीजिए एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय मौखिक भाषा बोली कहलाती है। आइए हम बोलियों के बारे में जानें। अगर हम हिंदी की बात करें, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी की ही बात करेंगे, तो हिंदी में भाषा की विभिन्न प्रकार की बोलियां चलती हैं। तो अब बात करते हैं अपन हिंदी की बोलियां। देखिए विभिन्न प्रांतों और विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर भारत में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है, लेकिन हिंदी में विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर इन भाषाओं का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला भाग जो है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी,
पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है उनके उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूँ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इत्यादि। नंबर दो पर आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी कई बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें प्रमुख है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बांगरू को अपन हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली, इत्यादि। अब तीसरे नंबर पर जो हिंदी की बोलियां हैं उसमें आता है बिहारी हिंदी। ये जो बिहारी हिंदी है इसकी प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि आती। चौथे नंबर पर जो हिंदी है वो हिंदी है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आप सभी जानते हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, शेखावाटी, हाड़ोती, ढूंढाड़ी इत्यादि कई सारी बोलियां हैं। और पांचवे नंबर पर जो हिंदी की बोलियां हैं उन बोलियों में आती है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं वो देखिए, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, इत्यादि। तो कुल मिलाकर के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर बोली जाने वाली जो मौखिक भाषा है उसमें हमारी हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उन बोलियों को पांच भागों में बांटा गया है। पांच भागों में से सबसे पहला भाग है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपको जैसे मैंने बताया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि कई सारी जो बोलियां हैं वो बोली जाती है। दूसरे नंबर पर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगड़ू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी इस प्रकार की कई सारी बोलियां बोली जाती हैं। और तीसरे नंबर पर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर आपने जैसे देखा कि मगही, मैथिली, भोजपुरी इस प्रकार की कई सारी बोलियां बोली जाती है। इसमें बिहारी भी स्वयं एक बोली है। अगली बात करें अपन राजस्थानी, क्योंकि हम सभी राजस्थान के हैं तो राजस्थान की खूब सारी बोलियों के बारे में हमें पता है। जैसे हमारी खुद की भाषा हो गई मारवाड़ी,
मेवाड़ी, मेवाती, सेखावाटी, हाड़ोती, ढूंढाड़ी, इसके अलावा कई कुछ विद्वान जो है मालवी भी बताते हैं, बागड़ी भी बताते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी बोलियां जो है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं। आगे बात करते हैं, पाँचवें नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि जो बोलियां हैं बोली जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा कह लीजिए, इसे सन 1949 में, पूरी तारीख बताऊं 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा माना गया हिंदी को। जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा स्वीकार की गई, उनमें इन सभी बोलियों को मान्यता प्रदान की गई थी। आइए अब हम आगे और की ओर बढ़ते हैं। हमने बात की भाषा की, भाषा का जो पहला भेद है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हमने बात की बोलियों की। अब हम भाषा के दूसरे रूप की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लिखित भाषा। आइए हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात होती है कि भाषा जो मौखिक रूप में हमने काम में ली, जो इनमें विभिन्न प्रकार की बोलियां आई, उन बोलियों को, उन ध्वनि चिन्हों को व्यक्त करने के लिए एक विशेष आकार प्रकार इत्यादि की जरूरत पड़ी। उन विशेष आकार प्रकार को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो है लिखित भाषा। इसकी पूरी जो परिभाषा है कुछ यूँ रहेगी, मनुष्य द्वारा अपने भावों व विचारों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से लिखकर व्यक्त करने का माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों के विभिन्न चिन्हों, भावों और विचारों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से लिखकर व्यक्त करने वाला माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। अब बात आई इसमें भावों और विचारों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना। तो ये जो भाषा के चिन्ह हैं,
यानी ये जो लिखकर व्यक्त करना है, ये व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। इसकी बात हम आगे चल करके करेंगे, तो पहले बात करते हैं लिखित भाषा की। तो जैसा कि अपन ने बात की थी, लिखित भाषा, हम जो भाव व्यक्त करते हैं लिख करके उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा के लिए हमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे जानने के लिए अब हमें अगला टॉपिक लेना पड़ेगा जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण को जानना होगा। व्याकरण तक पहुँचे उससे पहले आप सभी को मैं जैसे बता दूं कि कोई भी बात, कोई भी जो भाव है अपन किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो वो अपन वाक्य के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में? वाक्य के रूप में। वाक्य किससे बनता है? तो बात करते हैं शब्द या पद से। एक ही चीज़ है हालांकि दोनों। और शब्द और पद किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं वर्णों के संयोजन से। तो कहने का मतलब वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये वर्ण ही शब्द बनते हैं और ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है और उन पदों से वाक्य का निर्माण होता है। तो आप कहेंगे कि लिखित भाषा में तो ये तीन चीज़ें ही चाहिए, इसका क्या काम है? तो अपन बात करते हैं वर्ण को शब्द बनाने के लिए एक फोर्स, एक ताकत की आवश्यकता होती है जो संपूर्ण वर्णों को एक सूत्र में बांधे। उस फोर्स का नाम है, उस ताकत का नाम है व्याकरण। शब्द या पद को वाक्य के रूप में पिरोए, एकीकरण करे, उसके लिए एक ताकत की आवश्यकता होती है। उस ताकत का, उस शब्द का नाम है व्याकरण। क्या है व्याकरण? आइए अब हम आगे व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो व्याकरण हिंदी भाषा के विभिन्न नियमों का शास्त्र है। शास्त्र की जगह अगर मैं कानून शब्द अगर काम में लूँ तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कानून लागू होता है। तो हिंदी भाषा के जो विभिन्न नियमों का कानून है उस कानून का नाम ही व्याकरण है। व्याकरण के द्वारा ही वर्ण शब्द बनते हैं, व्याकरण के द्वारा ही शब्द वाक्य का स्वरूप ग्रहण करते हैं। आइए अब हम आगे बात करें कि कैसे शब्द जो है वर्ण बनते हैं और कैसे वर्ण जो है, जो शब्द जो है वर्ण बनते हैं और वर्ण कैसे शब्द बनते हैं, शब्द कैसे वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्ण कहाँ से आए। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मौखिक भाषा, और मौखिक भाषा में हमने ध्वनि का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया? ध्वनि का। ध्वनि क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज। क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज। आप उन आवाज़ों के अंदर देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे भाग जुड़े हुए हैं जो शब्द के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वर्ण। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की।
वर्ण किसे कहते हैं? साधारणतः आप सभी कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जी बिल्कुल, व्याकरण में या यूं कहिए हिंदी शास्त्र में भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई तो ठीक है, मतलब छोटी इकाई कौन सी? छोटी इकाई में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एक तो अपन पूर्व ये कह लिखते हैं, अब इसके अंदर क्या है, इसमें क और अ दोनों मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया, इसके टुकड़े हो गए, और जिसके टुकड़े हो जाते हैं वह चीज़ वर्ण नहीं कहलाती। तो वर्ण किसे कहेंगे? तो इसके अंदर हमारे उदाहरण के रूप में आएगा क, हलंत क, ख, च, ट, त, अ, ए स्वर है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये जो है ये सब वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण में विभिन्न प्रकार के भेद हैं, जैसे अपन ने अभी बात करी थी अ क्या है, स्वर है, अ क्या है, स्वर है, तो स्वर भी एक इसका भेद हो गया। दूसरी बात अपन ने करी क, ख, च, ट इत्यादि, ये सब क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन भी इसके भेद कहलाते हैं। तो वर्ण जो है दो रूपों में हमारे सामने आता है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम सभी पढ़ते आए हैं ए आ इत्यादि स्वर कहलाते हैं, लेकिन इसे शाब्दिक परिभाषा भी देनी पड़ेगी। तो वर्णों के हमने दो भाग किए, सबसे पहला जो भाग है यह है स्वर। स्वर कौन से? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, या यूं बोलिए भाषा वह स्वतंत्र वर्ण जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना संभव हो, या यूं कह लें कि वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ इत्यादि। दूसरा जो इसका भेद है वो है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन किसे कहेंगे, या व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? तो उसकी परिभाषा कुछ यूं होगी कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ बात की क, तो क को उच्चारित करने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ती है,
ये जो क है इसमें क व्यंजन और साथ में अ जुड़ा हुआ है तो बना क। तो जिस वर्ण को स्वर की सहायता के बगैर बोला नहीं जा सकता उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क है, च है, ट है, त है इत्यादि। इन सब को स्वरों की सहायता से ही हमें बोलना पड़ता है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। तो वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब आगे अपन बात करते हैं कि वर्ण जो है किसका रूप धारण करते हैं, शब्द का। किसका? वर्ण जो है शब्द बनते हैं। तो नंबर दो पर अपन बात करते हैं शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द की परिभाषा आती है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कई बच्चे परिभाषा देते हैं कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। नहीं, वो परिभाषा गलत होती है। वर्णों का समूह तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ये शब्द वर्ण लिखे हुए हैं, मैं इनको साथ में रख दूँ, क च ट त, तो ये वर्ण नहीं बनता क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिन वर्णों का, जिन वर्ण समूहों का अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं कहलाते। तो शब्द कौन से कहलाएंगे? जिनका कोई अर्थ निकले, सार्थक समूह, अर्थ वाला समूह हो, ऐसे वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जैसे जैसे मान लो क, इसके साथ में मैंने म ले लिया, इसके साथ में ल ले लिया, तो क्या बना? कमल। एक समूह बनाते ही इसका एक अर्थ निकल गया। कमल क्या? तो बात आती है, कमल एक पुष्प का नाम है। कमल का पुष्प होता है, तो तुरंत कमल नाम आते ही हमारे सामने एक कमल के पुष्प की तस्वीर आ जाती है। ऐसे ही जब वर्णों का एक समूह बनता है और उससे कोई अर्थ निकले तो उस वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वो शब्द कहलाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं जो कि वर्ण जो है शब्द तो बन गए लेकिन उन्हें पद कब कहा जाएगा। तो बात करते हैं अब तीसरे नंबर पर पद की, कि पद किसे कहते हैं। आइए अब हम पद की ओर चलते हैं कि जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, या यूं कह लीजिए व्याकरण के नियमों के आधार पर व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब तक शब्द स्वतंत्र है तब तक उसे शब्द कहेंगे, और जैसे ही उसे वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो वह शब्द नहीं होकर के उसे पद की संज्ञा दे दी जाएगी। जैसे राम घर जाता है, एक वाक्य है। वाक्य में राम घर जाता है, ये सब एक शब्द हैं, लेकिन चूंकि ये वाक्य में व्याकरण के नियमों के आधार पर प्रयुक्त हैं इसलिए इन्हें शब्द न कह करके पद कहा जाएगा।
अब आप कहेंगे कि व्याकरण के नियमों के आधार पर कैसे हैं, तो बात करें व्याकरण के अंदर, देखिए सबसे पहले कर्ता होता है, तो राम कौन है, घर जाने की क्रिया कर रहा है तो ये हो गया कर्ता। घर इसका कर्म है, जाना क्रिया है, तो ये सब जहाँ कर्ता कर्म क्रिया आ जाए तो वो सब जो है व्याकरण के नियमों के आधार पर प्रयुक्त हो रहे हैं, और इस कारण से इन शब्दों का जो सार्थक समूह बना वो तो वाक्य कहलाया, और इन शब्दों को वाक्य में लगाने की वजह से इन शब्दों को अपन पद कहेंगे। अब ये शब्द जो है वाक्य का रूप कब धारण करते हैं, क्योंकि मैं परिभाषा बता भी चुका हूँ, तो अपन बात करते हैं अब नंबर 4 पर। वाक्य की, वाक्य किसे कहते हैं, जिन शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता हो, तो उसे वाक्य कहते हैं। यूं कह सकते हैं, जैसे पहले परिभाषा मैंने दी है, व्याकरण के नियमों के अनुसार बना शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये कि व्याकरण के नियमों के अनुसार बना शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह एक शब्द है, पुस्तक ये भी एक शब्द है, पढ़ना क्रिया है तो पढ़ ये भी एक शब्द है, रहा है ये सब भी शब्द हैं। जब इनको व्याकरण के नियमों के आधार पर जोड़ा गया, वह सर्वनाम शब्द है, पुस्तक पढ़ रहा है ये सभी एक शब्द है, इनको व्याकरण के नियमों के आधार पर वह जो है सर्वनाम शब्द है, कर्ता की जगह इसको रखा गया, पुस्तक कर्म है, कर्म की जगह इसको रखा गया, पढ़ रहा है ये जो पढ़ना है ये क्रिया है, तो इनको अपनी अपनी जगह व्याकरण के नियमों के आधार पर रखा गया, इसलिए ये एक सार्थक समूह का काम कर रहा है, इसलिए इसे वाक्य कहा गया है। आप सभी को समझ में आ गया कि भाषा जो है व्यक्ति अपने भावों और विचारों को जिस भी माध्यम से प्रकट करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की बताई गई, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिख कर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के आधार पर विभिन्न रूपों में बोली जाती है, जिन्हें उस भाषा की बोलियां कहा जाता है। तो बोलियों की परिभाषा की बात करें तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी में हमने जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं उनके भेद पढ़े,
ये पांच प्रकार के इसके भेद हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, और उसी के बाद में अपन ने जो है लिखित भाषा के बारे में पढ़ा कि जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को व्यक्त करने के लिए, लिखित भाषा को प्रकट करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर लिखित भाषा संभव नहीं है। और उसके साथ ही हमने एक चीज़ और चर्चा की थी कि लिखित भाषा के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्हें लिपि कहा जाता है। तो अभी पहले अपन ने बात की थी व्याकरण के विभिन्न जो भाग हैं उनके बारे में कि व्याकरण कैसे काम करती है। तो जब हम लिखित भाषा को काम में लेते हैं तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें हमने व्याकरण के अंतर्गत वर्ण, पद, वर्ण शब्द, पद और वाक्य के रूप में पढ़ा। तो ये सब आपने देखा, वर्ण किसे कहते हैं, वाक्य की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जब वही वर्ण व्याकरण के नियमों के आधार पर सार्थक समूह बनाते हैं तो उन्हें शब्द कहा जाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। और वही पद जब व्याकरण के नियमों के अनुसार सार्थक समूह का निर्माण करते हैं तो उन्हें वाक्य कहा जाता है। आइए अब हम आज के अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, भाषा के जिन चिन्हों को या भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। कौन से चिन्ह? जिनसे भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है। आइए इसकी परिभाषा लेते हैं। मौखिक भाषा की विभिन्न ध्वनियों को जिन चिन्हों से लिखकर व्यक्त किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि को व्यक्त करने के लिए कई सारे चिन्ह हैं, कई सारी लिपियाँ भी हमारे प्रयुक्त में आती है, लेकिन मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। मैं सीधा सीधा सा आपको बता देता हूँ कि हमारी जो भाषा है हिंदी, यह संस्कृत में से निकली हुई है। संस्कृत भाषा में से हमारी हिंदी भाषा निकली है। तो संस्कृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। संस्कृत भाषा को लिखने के लिए जो लिपि काम में ली जाती थी उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि, और इसी में से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी भाषा को हम सभी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ये जो कुछ भी अपन लिखते हैं, जैसे कि स्वर, अपन ने बात की थी वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के स्वर और व्यंजन, तो स्वर के लिए जो अ इस प्रकार का चिन्ह है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर आ लिखेंगे तो ये देवनागरी लिपि के चिन्ह है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि के अंतर्गत
स्वर, व्यंजन इत्यादि चिन्ह आए। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियाँ हैं। जैसे अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी लिखने के लिए अलग प्रकार के चिन्ह हैं। जैसे ए अपना अ इस प्रकार से लिखा जाता है तो अंग्रेजी का अ इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारा विज्ञान जुड़ा है जिनके बारे में हम आगे और कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं हमें ज़रूर बताएं।